डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस BSAQS। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इनका आंसर आपको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में और एग्जैक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देना है, मतलब बहुत शॉर्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ आयोटा। आयोटा का स्क्वेयर रूट या उसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं इस आयोटा को जेड के इक्वल सपोज कर लेता हूं। लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा, यहां पर रियल पार्ट आपका मिसिंग दिख रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा। अब देखिए अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वेयर रूट निकालने के दो फॉर्मूले हैं, अंडर रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू प्लस आयोटा इन टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, इफ इमेजनरी पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो तो प्लस आयोटा आएगा, और इमेजनरी पार्ट लेस देन जीरो रहेगा तो माइनस आयोटा आएगा। यहाँ देखिए इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशियंट वन ग्रेटर देन जीरो है, तो इमेजनरी पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, सेंस अंडर रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, इमेजनरी पार्ट आपका ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस आयोटा, और अगर इमेजनरी पार्ट लेते हैं जीरो तो माइनस आयोटा इन टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, इफ इमेजनरी पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो यहाँ प्लस आयोटा आएगा, और इमेजनरी पार्ट इज लेस देन जीरो रहेगा तो यहाँ माइनस आयोटा आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सामने प्लस माइनस रहेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए अपने को मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों निकाल लेते हैं पहले। मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जीरो प्लस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर जीरो है तो स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट वन है तो वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वन स्क्वायर वन, और वन का अंडर रूट लेंगे तो वन, और रियल पार्ट की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, तो एंड रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है जीरो, बस ये दोनों वैल्यू को यहाँ रख देते हैं हम, देयरफॉर अंडर रूट जेड के प्लेस पे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर रख देते हैं आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड है आपका वन और रियल पार्ट ऑफ जेड है जीरो अपॉन टू प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड है वन माइनस रियल पार्ट है जीरो अपॉन टू, बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वन अपॉन टू रूट के अंदर है तो वन का रूट वन और टू का रूट अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन टू, तो वन का रूट वन और टू का रूट अंडर रूट टू तो वन अपॉन रूट टू आयोटा। यहाँ से वन अपॉन रूट टू को कॉमन निकाल देते हैं तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा वन प्लस आयोटा, बस यही आपका आंसर हो गया। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का जो अंडर रूट है या उसका स्क्वेयर रूट है प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू वन प्लस आयोटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का स्क्वेयर रूट या इसका अंडर रूट लिखना है तो इसको जेड के इक्वल ले लेता हूं मैं, लेट जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग है तो इसको जीरो माइनस आयोटा ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इमेजनरी पार्ट माइनस आयोटा, आयोटा का कोफिशियंट माइनस वन है तो इमेजनरी पार्ट माइनस वन है विच इज लेस देन जीरो, तो अंडर रूट जेड के लिए जो इमेजनरी पार्ट लेस देन जीरो वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो सेंस अंडर रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, अब इमेजिनरी पार्ट आपका लेस देन जीरो है तो माइनस आयोटा, एन टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन टू, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन जीरो। अब देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए अपने को मॉडुलस ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड की जरूरत पड़ेगी, दोनों लिख लेते हैं पहले। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जीरो माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट जीरो है इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट माइनस वन है इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर वन और वन का अंडर रूट वन, तो मॉडुलस ऑफ जेड तो वन आ गया एंड रियल पार्ट की जरूरत पड़ेगी तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है जीरो, बस ये वैल्यू को रख दो यहाँ पर। देयरफोर अंडर रूट जेड के प्लेस पे वैल्यू रख दो माइनस आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू है वन और रियल पार्ट ऑफ जेड है जीरो प्लस जीरो अपॉन टू माइनस आयोटा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू है वन माइनस रियल पार्ट की वैल्यू है जीरो अपॉन टू, बस इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए वन का अंडर रूट वन हो जाएगा और टू का अंडर रूट टू तो वन अपॉन रूट टू, ये माइनस वन का अंडर रूट वन और टू का रूट टू वन अपॉन रूट टू और ये आयोटा, यहाँ से वन अपॉन रूट टू को कॉमन निकाल देते हैं तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू कॉमन निकाले तो वन माइनस आयोटा बचेगा, बस यही आपका अंडर रूट या स्क्वेयर रूट हो गया माइनस आयोटा का। तो ऐसे आप स्क्वेयर रूट या अंडर रूट लिख लेंगे, प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू वन माइनस आयोटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, इसकी वैल्यू लिखना है तो पहले जो गिवन है मैं उसको ले लेता हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। देखिए हमको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर की वैल्यू निकालना है, तो अपन अगर दोनों साइड का मॉडुलस ले ले तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, अगर उसका स्क्वेयर कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा और दो बार स्क्वेयर कर देंगे उसका तो होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो मैं दोनों साइड का मॉड ले लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या करते हैं कि मॉड को हम पहले अंदर लगा देते हैं और अंडर रूट के साइन को बाहर कर देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट मॉडुलस को अंदर कर दो ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, इससे इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये अंडर रूट जाएगा, ये भी अंडर रूट जाएगा, फिर अलग अलग मॉड लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड का तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ऐसा हो गया विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, अलग अलग मॉड में डाल लो दोनों को, ए प्लस आयोटा बी अपॉन मॉडुलस सी प्लस आयोटा, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी को अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे डिनोमिनेटर को अंडर रूट सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब ये आगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू, लेकिन अपने को चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, तो एक बार दोनों साइड का स्क्वेयर और कर दो, तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू, इधर के अंडर रूट हटा दो, ए स्क्वेयर प्लस बी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बस यही आपका आंसर हो गया कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इफ थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन टू पाई एंड जेड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन राइट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। देखिए जेड की वैल्यू दी हुई और एक कंडीशन दी हुई, तो हमको मॉडुलस ऑफ जेड लिखना है, तो मैं डायरेक्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेता हूँ और दोनों साइड का मॉड ले लेता हूँ। जेड इज इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। हमको मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए तो दोनों साइड का मॉड ले लो, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको वन प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मॉडुलस हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर में ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे तो टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा और ये वन है तो वन और वन टू, टू प्लस टू कॉस थीटा, यहां से टू कॉमन निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू, ये टू कॉमन निकाले तो वन प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा लो वन को कैंसिल करने वाला, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ये टू, इस वन को कैंसिल करना है तो माइनस वन वाला, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन लिख सकते हैं कॉस थीटा को, टू कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन टू माइनस वन, यह है कॉस ए का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, ए के प्लस पर थीटा था तो थीटा अपॉन टू हो गया। ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन को कैंसिल कर लो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये वाला लगाया है, सेंस कॉस ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर ए अपॉन टू माइनस वन, ए के प्लेस पे थीटा था तो ए अपॉन टू के प्लेस पे थीटा अपॉन टू आ गया। अब ये क्या हो गया, विच इज इक्वल टू टू इंटू टू करेंगे तो फोर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन टू। अब देखिए ये फोर को तो बाहर करके टू कर दिए, अब ये कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन टू का अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन टू आएगा। अब ये कॉस थीटा अपॉन टू की जो वैल्यू है पाई इज इक्वल पाई, थीटा इज ग्रेटर देन पाई और लेस देन टू पाई का इंटरवल दिया हुआ है, तो कॉस थीटा अपॉन टू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, अभी अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको मॉड के अंदर ले लेता हूँ, अंडर रूट से हटा देता हूँ और ये कॉस थीटा अपॉन टू। अब देखिए ये कॉस थीटा अपॉन टू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब अंदर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जब अंदर की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ कंडीशन दी हुई है अपने को क्वेश्चन में, सेंस थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन टू पाई, ये कंडीशन गिवन है हमको, हमारा एंगल थीटा अपॉन टू तो थीटा अपॉन टू बनाने के लिए सबको टू से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये थीटा अपॉन टू और इसको टू से डिवाइड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, मतलब अपना जो थीटा अपॉन टू है 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ से आप थीटा अपॉन टू की कोई भी वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो मैं मॉड का साइन हटा के माइनस ले देता, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू कॉस थीटा अपॉन टू, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको मॉडुलस ऑफ जेड कैलकुलेट करना, ये हो गई मॉडुलस ऑफ जेड की बात, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर राइट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2। देखिए एन एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हो तो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी को लिख लेता हूँ, आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा रेस टू द पावर 4n माइनस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 1/2 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ देखिए आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आयोटा रेस टू द पावर 4n इंटू आयोटा। देखो दोनों का बेस से में तो पावर ऐड होके आयोटा की पावर 4n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n अपॉन आयोटा। देखो बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आयोटा की पावर 4n माइनस 1 आ जाएगी। अब यहां से आयोटा की पावर 4n कॉमन निकाल लेते हैं विच इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू आयोटा रेस टू द पावर 4n को कॉमन निकाल लिए तो यहां पर एक आयोटा बचेगा माइनस ये निकल गया आपका यहाँ पे 1/आयोटा बचेगा विच इज इक्वल टू ये 1/2 आयोटा की पावर 4n को आयोटा स्क्वेयर की पावर 2n लिख लो। अपने पास में आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 तो मैंने आयोटा स्क्वेयर की पावर 2n लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4n हो जाए। ब्रैकेट के अंदर ये आयोटा माइनस ये 1/आयोटा है यहाँ पर तो इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, सो विच इज इक्वल टू 1/2 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 इसकी पावर 2n, ये आयोटा माइनस 1 में आयोटा का इंटू करें तो आयोटा, नीचे आयोटा में आयोटा का इंटू करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1 रख दी है फ्रेंड्स, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू ये 1/2। अब इसको देखो माइनस 1 की पावर 2n, आप n की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रखो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपको इवन पावर मिलेगी और जब नेगेटिव 1 की पावर इवन रहेगी तो वो प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1। ब्रैकेट में ये आयोटा माइनस आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 1, और थोड़ा सॉल्व कर दो ये 1/2 इंटू 1, 1/2 हो गया, ये आयोटा और ये माइनस माइनस का इंटू प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 आयोटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये क्या आ गया आपका आयोटा। तो गिवन जो एक्सप्रेशन था आयोटा की पावर 4n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू होगी आयोटा के ऊपर, ये अपना आंसर होगा। तो ऐसे आप गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीएस एक्यूएस तो हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।